वो ही तुमको पाले पोसे, वो ही तुमको जनती है। जीतते हारते तुम हो जंग में, लेकिन गुलाम वो बनती है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस्लाम में हमेशा ही औरतों पर बहुत ही जुल्म व सितम किए गए हैं, चाहे वो कोई बाहर की औरत हो, घर की बीवी हो या फिर वो कोई गुलाम हो। इस्लाम में औरत या बीवी के हकूक़ को मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन आज के शो में मैं सिर्फ गुलाम औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म व सितम की ही बात करूँगा, क्योंकि इस्लाम ने तो इन्हें इंसान भी नहीं समझा, औरत समझना तो दूर की बात है। गुलाम औरतें, ये वो बदनसीब औरतें होती थीं जिनके शोहर या वालिद को मोहम्मद साहब ने जंग में कत्ल कर दिया था और इन्हें अपना राइट हैंड पोसेस मतलब कि सेक्स स्लेव समझते थे। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह इस्लाम में लूट मार करके इन औरतों को और इनके बच्चों को कैदी बनाकर लाया जाता था और अपना ग़ुलाम बना लिया जाता था। आप मेरी उस वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन औरतों को जीतने के बाद और ग़ुलाम बनाने के बाद उन्हें कैसे रखा जाता था। इन औरतों के साथ इस्लाम ने बहुत ही बदसलूकी की है और इस बात का सबूत हमें खुद इस्लामिक किताबों से मिल जाता है। इनके ऊपर जुल्म और आज के स्कॉलर्स के बहानेबाजी दोनों ही बड़े टॉपिक हैं, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट में हम केवल उन पर होने वाले जुल्म सितम की बात करेंगे और अगले पार्ट में आज के उलेमा जो इस्लाम में स्लेवरी को लेकर बहाने बनाते हैं उन्हें डिबंक करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इनके साथ क्या क्या जुल्म होते थे। हमें एक ही हदीस से बहुत कुछ पता चलेगा, साही अल बुखारी 229। जब ये कुछ लोग अल्लाह के प्यारे रसूल के पास बैठे थे तो इन्होंने रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुछ गुलाम औरतें हैं जो हमें माल गनीमत से मिली हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने माल गनीमत एक्सप्लेन किया था कि ये लूट का माल होता है और जायज़ होता है, तो ये लोग वही बातें कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम उन औरतों की कुछ कीमत चाहते हैं, इसलिए आप बताएं कि कोइटस इंटरप्टस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि सेक्स करते हुए इजेकुलेशन के टाइम पर मैन पार्ट को बाहर निकाल लिया जाए ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। तो इन्होंने नबी से पूछा कि क्या ये जायज़ है। अब नबी पूछते हैं, क्या आप लोग सचमुच ऐसा करते हैं? आपके लिए बेहतर यह है कि ऐसा ना करें, क्योंकि जितने बच्चों को दुनिया में आना है वो तो आएंगे ही। तो मैंने कहा था ना कि एक ही हदीस से बहुत कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये औरतें भी माल गनीमत यानी लूट का हिस्सा हैं और ये जायज़ भी हैं। दूसरी बात, हमें ये भी पता चलती है कि इनसे सेक्स तो अलाउड है ही, बल्कि इन्हें बेचा भी जाता था। और जो ये लोग उन्हें प्रेग्नेंट करने से बचते थे, उसका रीज़न ये था कि प्रेग्नेंट गुलाम के दाम मार्केट में कम मिलते थे, जबकि सिंगल विमन के प्राइस ज़्यादा थे। रसूल ने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि वो इनके अच्छे दाम चाहते हैं, क्योंकि ये आम बात थी। सबसे बड़ी बात जो रसूल ने यहाँ कही, वो तो कोई शैतान भी नहीं कहेगा। मतलब खुदा का रसूल कह रहा है कि आप लोग कोइटस इंटरप्टस मत करो और जितने बच्चे इस दुनिया में आने हैं वो आएंगे ही। मतलब एक तो उनके साथ रेप हो रहा है और दूसरा रसूल उन्हें इस रेप से प्रेग्नेंट करने की भी एडवाइस दे रहे हैं। कभी कभी इस तरह की हदीस पढ़कर लगता है कि कहाँ चली गई हम लोगों की इंसानियत। कैसे हमने इस इंसान को अपना रसूल मान लिया और कैसे हम साथ ही साथ ये भी दावा करते हैं कि ये ज़मीन पर चलने वाले सबसे बेहतर इंसान थे। आइए अब देखते हैं इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान की एक और हदीस, साही मुस्लिम 3432। अबू सैद अल खुदरी, अल्लाह उनसे खुश हों, फरमाते हैं कि हुनैन की जंग में अल्लाह के रसूल ने अपनी फ़ौज को लड़ने भेजा और जब ये उन्हें जीतकर उन्हें कैदी बनाकर लाए तो उनके लोग उन औरतों के साथ सेक्स करने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि उनके हस्बैंड काफिर थे और ज़िंदा थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत भेजी कि शादीशुदा औरतें तुम्हें जायज़ नहीं, ग़ुलाम औरतों के सिवा ये जायज़ है। ये कुरान की आयत चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24 है। जब किसी इंसान को कोई गलत काम करने के लिए कहा जाता है और वो भी ये कहकर कि ये खुदा की तरफ से हुक्म है, तब भी उसके दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि ये गलत है, बस वो उस पर बना नहीं रह पाता क्योंकि हुक्म तो खुदा की तरफ से है। इंसान सोच लेता है कि अगर हुक्म उसका है तो शायद सही ही होगा,
वो अपनी इंसानियत को मार देता है और हुक्म के डर के आगे झुक जाता है। तो जिन लोगों ने उन्हें कैदी बनाया था वो खुद उनसे सेक्स करने से पीछे हट रहे थे, शायद उन लोगों के अंदर की इंसानियत हो। वो लोग बहाने बना रहे हों कि इनके हस्बैंड काफिर हैं इसलिए हम इनके साथ रेप नहीं करना चाहते, शायद उनकी इंसानियत ही उन्हें धिक्कार रही हो। लेकिन रसूल अल्लाह के अंदर तो बिल्कुल इंसानियत नहीं थी, ये तो जल्द से जल्द उनसे रेप करना चाहते थे, तो इन्होंने फौरन वो आयत उतार दी जिससे इनका रेप करने की परमिशन मिल जाए। मतलब खुदा के रसूल ने लोगों को अच्छा नहीं बनाया बल्कि उल्टा उनसे गुनाह करवा दिया। ज़रा एक बार आप सोच कर देखें कि आज के टाइम में कोई ऐसी आर्मी हो जो अटैक करके औरतों को ग़ुलाम बनाए, फिर उनके हस्बैंड होते हुए भी उनका रेप करे और वो भी खुदा के नाम पर, तो आप उस आर्मी को क्या कहेंगे? टेररिस्ट। एग्जैक्टली, ये लोग कुरान और हदीसों की टीचिंग को फॉलो करते हैं इसलिए ये टेररिस्ट होते हैं। अब एक हदीस और देखते हैं। ये हदीस लोग बहुत फ़क्र के साथ पेश करते हैं और कहते हैं कि हमारे रसूल ने वाइफ को कोड़े से मारने से मना कर दिया है, मतलब हद है जाहिलियत की। सही बुखारी 7:62-132। मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि तुम लोगों में से किसी को अपनी बीवी को ऐसे कोड़े नहीं मारने चाहिए जैसे अपनी ग़ुलाम औरतों को मारे जाते हैं और फिर दिन के आखिर में उनसे सेक्स किया जाता है। तो यहाँ खुदा के रसूल ने यह कह दिया है कि अपनी वाइफ को ऐसे कोड़े मारकर सेक्स ना करो जैसे अपनी ग़ुलाम से किया जाता है। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किसी के साथ मत करो, बल्कि ये कहा कि बीवी के साथ ऐसा मत करो। मतलब ये उस टाइम ग़ुलाम औरतें और बीवियाँ दोनों के साथ होता था, लेकिन खुदा के रसूल ने इसे बीवी के लिए करने से मना कर दिया। अब सिर्फ ग़ुलाम औरतें ही इस तरह का जुल्म सहेंगी, तो ये जुल्म होते थे इन औरतों के ऊपर। शादीशुदा होने पर भी इनकी शादी को वॉइड बता दिया जाता था और रेप किया जाता था, इनको मारा पीटा जाता था, इनको बेचा जाता था। इनका रेप तो जायज़ था ही और रेप के बाद इन्हें प्रेग्नेंट करना भी जायज़ था। फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी भी इन्हें उठानी पड़ती थी और रेप की तकलीफ़ के बाद वो प्रेगनेंसी और वो बच्चा उन्हें ज़िंदगी भर याद दिलाते थे कि वो कौन हैं और उनकी क्या वैल्यू है। उनकी वैल्यू बस एक कुरान नाम की किताब बताती थी, एक आयत आती थी रसूल पर जो उनकी किस्मत लिख दिया करती थी। तो ये है असलियत इस्लाम में ग़ुलाम औरतों की, जो पूरी दुनिया और इंसानियत को शर्मसार कर दे। उसके बाद फिर मुस्लिम लोग बेशर्मी से इसे जस्टिफाई करते दिखते हैं और बहुत बेहयाई से इसे ठीक भी बताते हैं। मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों से इस पर डिबेट की है और बहुत सारे स्कॉलर्स को भी इसे जस्टिफाई करते देखा है। वो लोग इसे इंसानियत का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं और पीसफुल्ली जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, अपने दिल से पूछो कि जो इन औरतों का हाल था वो अगर आपके घर की औरतों का हो तो क्या तब भी आप इसे सही कहोगे? बिल्कुल नहीं। ग़ुलाम औरतों के बच्चों को इस्लाम बेटे वाले हक भी दे दे तब भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इंसानियत सबको बराबर कहती है और दुनिया में कोई किसी का ग़ुलाम हो वही इंसानियत के खिलाफ है। मैं बहुत जल्दी इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें इन उलेमाओं के वो बहाने डिबंग करूंगा जो इस ग़ुलामी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और इसे इंसानियत का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी सभी से अपील है कि इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में मेरी मदद करें ताकि फ्यूचर में हम लोग मिलकर और भी कुछ स्टेप ले सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंसानियत का पैगाम पहुँच सके और हम इंसानियत के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें, ताकि कल को जब हमारे बच्चे हमसे पूछें कि हमने आखिर लाइफ में क्या किया है तो हम गर्व से उन्हें बता सकें कि हमने इंसानियत के लिए क्या किया है। इसके अलावा कुछ लोग मुझे 1-to-1 बात करने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मांगते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि इस्लाम के अगेंस्ट वीडियो बनाने से यूट्यूब कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि चैनल ही डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर जुड़ना होगा ताकि ऐसी किसी भी सिचुएशन के बाद हम लोग फिर से एक हो सकें। तो मैंने इसके लिए अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया है और अपने ह्यूमैनिस्ट भाइयों के लिए एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल और ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने ख्यालात भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। साइंस हाफिज़।